हेलो फ्रेंड्स, आपके क्विक एंड ईजी चैनल में मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम यहाँ पर लेफ्ट ओवर रोटियों से गुलाब जामुन बनाने जा रहे हैं। तो मैंने अपनी लेफ्ट ओवर रोटियों को तवे पर धीमी आंच पर सेक लिया है और उसे ठंडा होने रखा है। देखिए इस तरीके से एकदम कड़ी हो गई है, मैं आपको इसमें दिखा दूँ। देखिए इस तरीके से बिल्कुल क्रिस्प कड़ी हो गई है ये। तो आपको तवे पर इसे धीमी आंच पर सेकना है और उसे ऐसे ही छोड़ देना है ताकि वो ठंडा हो जाए। और ठंडा होने के बाद हम इसके इस तरीके से टुकड़े करके इसे मिक्सी में बारीक पीस लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने यहाँ पर तोड़ लिया है, सारे बारीक बारीक कर लिए हैं इस तरीके से। और अब हम इसका मिक्सी में बारीक पेस्ट बना लेते हैं। और हमें पानी यूज़ नहीं करना है, इसे सूखा सूखा ही इसका बारीक पाउडर बनाना है। तो चलिए हम इसे पीस लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने पीस लिया है और इसका इस तरीके का बारीक बिल्कुल पेस्ट बन गया है। देखिए देखिए बिल्कुल बारीक है ये। इस तरीके का आप इसे पीस लीजिए और इसके बाद हम अपने गुलाब जामुन का डो तैयार करने के लिए रेडी। यहाँ पर मैंने अपनी जो रोटियाँ थी जिन्हें पीस कर मैंने लिया हुआ था, ये यहाँ पर मैंने ले लिया है। अब इसमें हम इसमें थोड़ा सा तेल का मोयन डालते हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच तेल का मोयन डालते हैं। आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं। इस तरीके से मैं इसमें 2 चम्मच तेल डालूंगी और फिर आप इसे मिक्स कर लीजिए अच्छी तरीके से। और उसके बाद इसे हमें दूध की सहायता से सानना है। और इसे हम सानना शुरू करते हैं, उसके पहले हम अपनी चाशनी चढ़ा लेते हैं। पहले देखिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी शक्कर ली हुई है और इसमें मैं 1/2 कटोरी पानी डाल करके इसे अपने शक्कर के पाक के लिए चढ़ाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पैन लिया हुआ है, इसमें ये मैं अपनी 1 कटोरी शक्कर और इसमें 1/2 कटोरी के लगभग जो पानी है वो मैं इसमें डाल देती हूँ। और 1 कटोरी शक्कर में सॉरी मैंने यहाँ पर एक एक कटोरी शक्कर में मैंने 1 कटोरी ही पानी लिया हुआ है और इसकी अब मैं चाशनी बना रही हूँ। जैसे ही बॉयल हो जाता है तो हमारी चाशनी रेडी हो जाएगी। अब हम वापस अपने डो की तरफ आ गए हैं और अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो स्पून की मदद से देखिए थोड़ा थोड़ा सा हमें मिल्क डालते जाना है, हमें ज़्यादा नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा सा मिल्क आप इसमें डालते जाइए और जैसे हम आटा गूंदते हैं उसी तरीके से हमें अच्छे तरीके से इसे गूंद लेना है। तो थोड़ा थोड़ा सा मिल्क मैं ऐड करते जाती हूँ चम्मच की सहायता से। आप फुल क्रीम मिल्क भी इसमें यूज़ कर सकते हैं और बेहतर होगा कि अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप उसमें वो भी डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उससे। इसे हमें अच्छे तरह से सान लेना है। ये देखिए फ्रेंड, इसका बहुत अच्छा सा आटा गूंद गया है। अब इसे हम 2 मिनट के लिए रेस्ट होने देते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब मैं अपने हाथों पर तेल लगा करके इस तरीके से अपने हाथों पर मैंने तेल लगा लिया है और तेल लगा करके अब हम इसके छोटे छोटे से गोले बनाने हैं। आप अपने मन चाह आकार का गोला बड़े छोटे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं इसे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस पर क्रैक्स नहीं आने चाहिए, बाहर से ये पूरी तरीके से गोल रहे। देखिए ये हर तरीके से गोल है ये। तो इस तरीके से आप बनाते जाइए। क्या अब ये मैंने दूसरा बन करके रेडी है। इस तरीके से आप सारे बना लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे गुलाब जामुन मेरे बन गए हैं। अब मैं इसे फ्राई करने के लिए रेडी हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ऑयल भी रख लिया है अपना हीट होने के लिए और ये गर्म हो चुका है। हमें इसे मीडियम फ्लेम में ही पकाना है। तो मेरा एक बार ऑयल मेरा गर्म होने के बाद मैंने इसकी फ्लेम कम कर ली है
और अब आप इसमें इसे डाल दीजिए और इन अपने गुलाब जामुनों को फ्राई कर लीजिए। धीमी आंच पर ही आप इसे फ्राई करेंगे। तो एक तरफ से इसे पहले पकने देते हैं थोड़ी देर। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे गुलाब जामुन जो हैं वो तल करके रेडी हैं, और देखिए यहाँ पर हमारी चाशनी भी रेडी हो गई है। हमें इन्हें थोड़ा डार्क ही तलना है, थोड़ा सा डार्क ही हम इसे उतारेंगे और उतार कर सीधे गर्म चाशनी में डालेंगे ताकि ये पूरी चाशनी अपने अंदर सोख कर सके। देखिए फ्रेंड्स, ये हो चुका है। अब हम इसे निकाल कर सीधे अपनी चाशनी में डालते जाते हैं। देखिए सीधे से चाशनी में डालना है हमें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चाशनी में हमारी चाशनी भी गर्म थी और हमारे गुलाब जामुन भी, तो ये अच्छी तरीके से उसमें अपना जो है इसका सिरप उसके अंदर घुस जाएगा और ये बहुत ही अच्छे और टेस्टी बनते हैं। आप इन्हें एक बार बनाइए और ट्राई ज़रूर कीजिए। थैंक यू।